एक लड़की ने आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई सी कि उसने shaadi.com सोशल साइट के उत्ते अपनी आई डी पाई सी, जिसनों एक संदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने उस नाल संपर्क किया सी, जो संदीप सिंह shaadi.com की आई डी बनाई हुई है, जिसते वो संपर्क में आई तो उन्हें उसनों दो चार बार मीटिंग की वक्-वक् रेस्टोरेंटा दे विच, उत्थे उन्हें इहदे कोलों फिर अपने पैसों की डिमांड की है, कोई करीब 1.5 लाख रुपया इहदे कोलों लै चुका। इन्हें अपना shaadi.com ते स्टेटस पाया होया कि मैं कैनेडा का सिटीजन हाँ और मैं शादी करवानी आ, शादी कराने तो बाद मैं उन्हें कैनेडा में लै जाऊँगा, मैं टोयोटा कंपनी दे विच मिसीसागा कैनेडा दे विच सर्विस करता हाँ, तो मेरी रिहायश लुधियाणा विच है, जो MBD मॉल लुधियाणा विच ज़्यादातर मिलता सी, इस दे नाल नाल भी साढ़े ग्राया शहर दे विच एक नामी होटल दे विच आके भी ये ठहरता सी, जिथे ये लड़कियां नूं टाइम दिंदा सी, उत्थे मिलन उपरंत उन्हां दा ये जो इकनोमिकली और फिजिकली जो शोषण करता रहा, जिस विच हुण तक इनू असी गिरफ्तार करन तों बाद जो लड़कियां नाल ये इस तरह कर चुका है चीटिंग, जिसकी गिनती कोई 50 तो उपर हो चुकी है, जो इसका ये तरीका वारदात यह है कि पहला उन्होंने ये इमोशनल ब्लैकमेल करता है, फिर उन्होंने को नकद पैसे ले लेंदा तो अपने अकाउंट में जमा करके फिर उन्होंने कहता कि मैं तुहानू जिहड़ा कॉन्टैक्ट बेस से मैरिज करांगा तो तुसी मैनू कैनेडा तुसी लैके जाओगे, जबकि इहदा असल नाम जो हरपाल सिंह सन ऑफ अंग्रेज सिंह वासी पिंड बीला थाना टल्लेवाल जिला बरनाला है, जो इसने अपनी ID हरमन सिंह उर्फ हैरी दे नाम ते एक आधार कार्ड बनाया होया, एक कोविड शीट बनाई हुई है, अते इस दी गिरफ्तारी तो बाद इस दे कब्जे विचों एक इंडियन पासपोर्ट मिलिया, जिस उपरे ये अज तक कदे भी कैनेडा नहीं जा गया, ना ही इहदा कैनेडा दा वीजा लग्या, जो इहदा पासपोर्ट चैक कीता उहदे विच पाया गया कि ये मलेशिया देश गया, जां ये दो वारी दुबई तक गया आ, ये कई लड़कियां नूं दुबई विच भी घुमा के लैके आया, और इसका यह रोजाना का काम आ, ये वख-वख शहरां दे विच जो साढ़े कोल हुण तक लड़कियां संपर्क विच आईयां, इसका जो फोन आ फोन उत्ते एक दिन विच 35-40 तों लड़कियां दे फोन कॉल्स आ रही हैं, और एक लड़की जो हुण कैनेडा जा चुकी आ इस दे जाल विच फस गई सी, जो बेसिकली हुशियारपुर तों रहण वाली सी, उसने अपनी लैक्चरां दी नौकरी भी इस दे पिछे छड्ड दित्ती, और फिर इहने उस कोलों 6 लाख रुपया नकद लै लिया, और वह कैनेडा जाण तों बाद इहने उहनां दे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करके फिर उहनां कोलों कंप्रोमाइज़ करके 5 लाख रुपया वसूल लिया। होर एक लड़की कोई जगरावां बैंक इंप्लॉई आ, उहदे नाल भी इहने चीटिंग की आ, दो लड़कियां मोगे दियां ने, एक लड़की अमृतसर दी आ, दो तीन लड़कियां जलंधर दियां ने, चंडीगढ़ दे विच एक फिजियोथरैपिस्ट लड़की आ, उस नाल भी इहने सेम जिहड़ी आ इहदी तरीका वारदात आ, ये दो लड़कियां जो नर्सिंग दा कोर्स कर रही दिल्ली दे विच उहनां दा वह भी इहदे संपर्क विच है, और लुधियाणे तों भी काफ़ी लड़कियां इहदे संपर्क विच आ, जो हुण तक ये साढ़े कोल पुलिस रिमांड ते आ, अगे इहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही आ, और मैं तुहाडे माध्यम राही ये कहना चाहुंदा अपील करदा कि जो लड़कियां shaadi.com ते सोशल साइट दे उत्ते इहो जिहे ठगां कोलों अपने आप नूं बचा के रखण, और किसे नाल कोई shaadi.com ते संपर्क करदे आ वो अपने पेरेंट्स नूं नाल लै के उन्हां बारे वेरीफिकेशन करन, वेरीफिकेशन करन तों बाद ही वो अपना डिसाइड करन, इन्हां नूं इकल्यां नूं कदे भी किते भी जाके इन्हां नाल मीटिंग ना करन।